हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमृत सिंह ओलक। ग्रेड फर्स्ट की अपन बात करें और ग्रेड फर्स्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर हमारे एक टॉपिक है कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग। और एवरी एग्जाम की जब अपन बात करें तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर कॉर्ड मिक्सिंग को लेके कॉर्ड स्विचिंग को लेके चार क्वेश्चन जो रहते हैं, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स को इस दो टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम भी आती है। तो काफी रिसर्च के बाद में, काफी इधर उधर से देखने के बाद में, तो एक जो है एक अपने ये कहें कि ब्रीफ जो है वो नोट्स तैयार किए हैं कॉर्ड स्विचिंग के और कॉर्ड मिक्सिंग के। और आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा और नहीं आपका कोई डाउट रहेगा कॉर्ड मिक्सिंग को लेकर और कॉर्ड स्विचिंग को लेकर। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कॉर्ड मिक्सिंग है क्या। देखिए, कॉर्ड मिक्सिंग जो है, कॉर्ड मिक्सिंग इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेज। दोबारा फिर ध्यान दें, कॉर्ड मिक्सिंग इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर लैंग्वेज और लैंग्वेज वेराइटीज इन द स्पीच। सम स्कॉलर्स यूज द टर्म कॉर्ड मिक्सिंग एंड कॉर्ड स्विचिंग स्पेशली इन द स्टडीज ऑफ सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड अदर फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, यह हमने दो वर्ड्स का यूज किया है, सिंटैक्स का और मॉर्फोलॉजी का। अब देखिए, सिंटैक्स के अंदर कॉर्ड स्विचिंग किस प्रकार से अपनी बात करेंगे। पहले यह देखते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। यदि सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस। यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूं कि स्ट्रक्चर ही सिंटैक्स है। जैसे इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस को मिलाकर आप एक सेंटेंस बना रहे हो, एक सिंटैक्स बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये कहूं कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप कल टाइम पे आओगे। अब देखिए, इसके अंदर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कि आपने मेरे से प्रॉमिस किया था। ये पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस, तो देखिए प्रॉमिस इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया आपने, यानी कि सिंटैक्स के अंदर आप दो या दो से अधिक लैंग्वेज वेराइटीज यूज कर रहे हो सिंटैक्स के अंदर। ये कॉर्ड मिक्सिंग है, क्लियर है। आप टाइम पे आना, आप टाइम पे आना। अब देखिए, आप और टाइम दोनों क्या कर रहे हो, आप टू लैंग्वेजेस को आप मिक्स कर रहे हो। जब दो या दो से अधिक लैंग्वेज को आप मिक्स करते हुए एक सेंटेंस बनाते हो, एक सिंटैक्स बनाते हो, वो कॉर्ड मिक्सिंग है। अपने मोस्टली रूटीन के अंदर ऐसे वर्ड्स बहुत यूज करते हैं, ठीक है। और ये कोई भी दो लैंग्वेजेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक फ्रेंड का फोन आया कि आप बाजार में हो, मैं अभी घर से चल रहा हूं और आधे पौने घंटा में तेरे कन पहुंच जाऊंगा, है ना। अब यहां उसने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कंप्लीटली उसने क्या किया, ट्रांसफर किया है, है ना। यहां हम एक ही सिंटैक्स के अंदर हम दो वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, या एक ही सिंटैक्स के अंदर हम दो या दो से अधिक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे। यदि एक ही सेंटेंस के अंदर आप दो या दो से अधिक लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो आपका कॉर्ड मिक्सिंग है, ठीक है। चलो बाजार चलते हैं, कुछ नया सी करेंगे, लेट्स गो, आओ चले, ठीक है। अब यहां दूसरा वर्ड हमने यूज किया था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी के अंदर होती है द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर पार्ट्स। या मैं ये कहूं कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ वर्ड्स, ये मॉर्फोलॉजी होती है। जैसे मैं कहूं अनफ्रीली, अनफ्री और ली। अब देखिए, इसके अंदर अन और फ्री और ली प्रीफिक्स और मैंने सफिक्स का यूज करते हुए वर्ड यूज किया अनफ्रीली।
अब देखिए अन और फ्री और ली, इसको आपने अनफ्रीली को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसमें तीन मॉर्फिम है। तो ये जो स्टडी जो होती है इसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। अनओपनली, अनओपन और ली, ये तो किसी एक लैंग्वेज के अंदर आप प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज कर रहे थे, लेकिन आप किसी वर्ड के साथ उसकी मॉर्फोलॉजी के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज कर रहे हो किसी अदर लैंग्वेज का, तो वो भी कॉर्ड मिक्सिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे आपने लूट शब्द जो है वो हिंदी का है लूट, और उसके साथ आप सफिक्स यूज कर रहे हो इंग, लूटिंग, गेइंग, हंसिंग, मारिंग, चिल्लाइंग, है ना। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकली आप जो एक दो लैंग्वेजेस को जो आप मिक्स कर रहे हो, ये भी हमारा एग्जांपल किसका है, कॉर्ड मिक्सिंग का है। दोबारा मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि यदि अपन कॉर्ड मिक्सिंग की बात करें तो कॉर्ड मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि टू आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज है, टू और मोर देन टू, और उन दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस को आप जोड़कर आप एक सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो। तो ये तो सिंटेक्स के अंदर आप कॉर्ड मिक्सिंग का यूज कर रहे हो, ठीक है। आप प्रॉमिस करो कि आप कल टाइम पे आओगे, तो आप एक सेंटेंस के अंदर आप जो है किसी दूसरी लैंग्वेज को इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, लेके आ रहे हो, कॉर्ड मिक्सिंग है। और यदि किसी वर्ड को आप उस वर्ड के साथ दूसरी लैंग्वेज का यदि आप वर्ड यूज कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कॉर्ड मिक्सिंग। और वो कॉर्ड मिक्सिंग आपने किस प्रकार से किया, मॉर्फोलॉजिकल आपने वो कॉर्ड मिक्सिंग की है। आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं कॉर्ड स्विचिंग की। कॉर्ड स्विचिंग, कॉर्ड स्विचिंग प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कॉर्ड टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द सोशियल कॉन्टेक्स्ट और कन्वर्शनल सेटिंग। अब देखिए कॉर्ड स्विचिंग क्या है कि आप स्विच करते हो वन लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज के अंदर। स्विच कैसे करते हैं, वन लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज के अंदर जो स्विच करना है वो आपका कॉर्ड स्विचिंग कहलाता है। वो आपकी टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस के अंदर आप स्विच कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है अपने गांव के अंदर एक बड़ी हो जाता है ना, और रेडियोज के अंदर जो अनाउंसमेंट किया जाता है कि सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जी फलाने की भैंस गम गई, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसने हिंदी में बोला है और सेकंड सेंटेंस जो है वो मारवाड़ी में ले गया, यानी कि एक लैंग्वेज से वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर वो स्विच हो रहा है, यही हमारी कॉर्ड स्विचिंग है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर होना और सेंटेंसली, ठीक है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के अंदर, एक सिंटैक्स से दूसरे सिंटैक्स के अंदर जब आप स्विच करते हो वो आपकी कहलाती है कॉर्ड स्विचिंग। अब देखिए कॉर्ड स्विचिंग के टाइप्स की अपन बात करें तो तीन प्रकार की जो है वो हम कॉर्ड स्विच करते हैं। सबसे पहले आता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन इसके अंदर क्या होगा कि हम एक लैंग्वेज के अंदर हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और जो टैग बनाएंगे वो किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज करेंगे, उसके अंदर हम किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है, टैग बनाने में। ये टैग स्विचिंग कहलाती है। जैसे मैं ये कहूं इट इज ए नाइस डे, इट इज ए नाइस डे, अब इसका मैं टैग बना दूं है ना, हिंदी के अंदर कहूं या पंजाबी के अंदर इसको बोल दूं, है ना, टैग बना दिया, इट मींस आप एक लैंग्वेज के अंदर बोल रहे हो और टैग किसी अदर लैंग्वेज के अंदर आप बना रहे हो, दूसरी लैंग्वेज के अंदर आप बना रहे हो, तो ये हमारी कहलाती है टैग स्विचिंग। अब मैं ये कहूं आई एंजॉयड द पार्टी, है ना, अब देखिए आई एंजॉयड द पार्टी, है ना, तुम खेल रहे हो, आरंट यू। अब एक आपने हिंदी में बोला, दूसरा आपने इंग्लिश में बोल दिया, यानी कि जो टैग बना रहे हो वो टैग आपका किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर है, वो आपकी टैग स्विचिंग कहलाएगी। दूसरा आता है इंट्रा सेंटेंशियल, इंट्रा सेंटेंशियल, इन विच स्विचेस अकर विद इन ए, गौर से सुनना, विद इन ए क्लॉज
और सेंटेंस और फ्रेज, आपकी कोई फ्रेज है, आपका कोई सेंटेंस है, आपका कोई क्लॉज है, उस क्लॉज के अंदर, उस एक उस सेंटेंस की बाउंड्री, उस क्लॉज की बाउंड्री, उस फ्रेज की बाउंड्री के अंदर आप स्विच कर रहे हो, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर स्विच कर रहे हो, वो अपना कहलाएगा इंट्रा सेंटेंशियल। क्या कहलाएगा? इंट्रा सेंटेंशियल। मैंने पार्टी बहुत एंजॉय की, मैंने पार्टी बहुत एंजॉय की, एक ही सेंटेंस है, और एक ही सेंटेंस के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर स्विच कर रहा हूं। आज का जो वेदर जो है बड़ा सुहाना है, सुहावना है, है ना, आज का वेदर बड़ा सुहावना है, वेदर इंग्लिश, सुहावना हिंदी, सेंटेंस हमारा एक ही है, एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही क्लॉज के अंदर और एक ही फ्रेज की बाउंड्रीज के अंदर जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर हम जब स्विच करेंगे वो हमारी कहलाएगी इंट्रा सेंटेंशियल स्विचिंग। फिर उसके बाद में आता है इंटर सेंटेंशियल स्विचिंग। इंटर सेंटेंशियल स्विचिंग के अंदर क्या होगा कि आप एक सेंटेंस जो है, एक क्लॉज जो है, एक फ्रेज जो है वो कंप्लीट किसी एक लैंग्वेज में बोलोगे, फिर दूसरी क्लॉज या दूसरा सेंटेंस या दूसरी क्लॉज जो है वो आपकी दूसरी लैंग्वेज के अंदर होगी, यानी कि कंप्लीटली आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, स्विच कर रहे हो। जैसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन देखें, इन विच ए चेंज ऑफ लैंग्वेज अकर्स एट ए क्लॉज और सेंटेंस वेयर ईच क्लॉज और सेंटेंस इज इन वन लैंग्वेज और द अदर। और दूसरा किसमें होगा? किसी दूसरी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग, बहुत मजा आ रहा है, आर यू डांसिंग? मैं तो नहीं कर रहा। अब देखिए, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर आपका स्विच होना कंप्लीटली, उस सेंटेंस में, उस फ्रेज में, उस क्लोज में जो आप कंप्लीटली जो आप क्या कर रहे हो, स्विच हो रहे हो, वो हमारी कहलाती है इंटर सेंटेंशियल स्विचिंग। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, आप किसी से बात करना स्टार्ट कर देते हो कि यार आज तो गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है और बाहर निकला नहीं जा रहा, पर के करूं, घर का काम में करना पड़ सी। अब देखिए, आप पहले हिंदी से फिर आप मारवाड़ी के अंदर स्विच कर रहे हो, है ना, हिंदी से आप मारवाड़ी के अंदर स्विच कर रहे हो, यानी कि एक क्लॉज, एक सेंटेंस, एक फ्रेज को कंप्लीटली फिनिश किया, फिर नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस के अंदर जो आप स्विच कर रहे हो वो किसी अदर लैंग्वेज के अंदर स्विच कर रहे हो, ये हमारी कहलाती है इंटर सेंटेंशियल स्विचिंग। ठीक है, ये हमारा कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।